तो आज हम बना रहे हैं भेलपुरी। इसके लिए मैं सबसे पहले लूँगा मुरमुरा, जिसे हम परमल भी कहते हैं। तो एक बर्तन में मैं यहाँ मुरमुरा ले रहा हूँ। इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। अब मैं इसमें डालूँगा बारीक कटा हुआ टमाटर। इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ यह सूखी हुई बूंदी। इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ ये पीनट है, मूंगफली, इसे मैंने थोड़ा सा तेल में फ्राई किया हुआ है। इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ बारीक सेव, जिसे हम नायलॉन सेव भी कहते हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ग्रीन चटनी, ये धनिए, पुदीने और हरी मिर्च से बनी हुई चटनी है। 2-3 चम्मच हम इसकी डालेंगे। इसके बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ इमली की मीठी चटनी, इसके भी हम 2-3 चम्मच डाल देंगे। बाकी आप स्वाद अनुसार अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 नींबू का रस। नींबू के रस को अच्छे से निचोड़ के हम डाल देंगे, इससे खट्टापन आएगा। अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे तरीके से। हमारी भेलपुरी बनके तैयार है। आप इसे पापड़ी के साथ खा सकते हैं और आप चाहे तो इसमें उबला हुआ आलू भी मिला सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने मीठी चटनी कैसे बनाई थी इमली की, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हरी चटनी की रेसिपी भी चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कीजिए। अब एक प्लेट में निकाल कर हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। ऊपर से मैं डालूँगा प्याज, टमाटर, हरा धनिया, सेव और ऊपर से मैं डाल दूँगा इसमें चटनी। यहाँ मैं लाल चटनी और हरी चटनी दोनों डाल दूँगा। तो आपकी भेलपुरी बनके तैयार है। आप इसे घर पर बनाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।